वेट करिएगा अभी 1 मिनट। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर यस है? बेटा जब आपकी कल इवनिंग में क्लास हुई थी तो मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था। आप में से कितने बच्चे शाम की इवनिंग की क्लास में ज्वाइन थे? मुस्कान आपने ज्वाइन की थी? नो मैम, मैम मेरे में नेट पैक नहीं, खत्म हो गया था इसलिए नहीं कर पाए थे। विशाल आपने भी नहीं करी थी बेटा? विशाल, नेहा, यस मैम, मैंने की थी। श्रद्धा, आप तीनों ने मॉर्निंग में क्लास ज्वाइन करी थी, बट यस मैम, इवनिंग में क्लास क्यों नहीं यस ज्वाइन करी मैम, थी? रीजन दीजिए जरा अपना अपना जल्दी जल्दी। मैम वो एक्चुअली मैं उस टाइम थोड़ा बिजी था, तो मैं मुझे याद नहीं रहा कि क्लास थी और मैं उस टाइम सो गया था, सो मेरी कोई मिस्टेक। बात नहीं, लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे आज से, है ना? वेरी नाइस कि आप यस बहुत मैम, फुली रीजन बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और श्रद्धा आपने बेटा? गेस्ट आए हुए थे इस वजह से। गेस्ट हाँ थोड़ा स्पीक लाउडली। मैम, मैम गेस्ट आए हुए थे इस वजह से नहीं ले पाए। ओके अच्छा, कोशिश करा करिए कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सी चीजें आप लोग की मिस हो जाती हैं। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने कल शाम की क्लास ज्वाइन करी थी, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा मैंने क्या चीजें और बोली हैं उनको। ठीक है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से तो वो बच्चे हैं ही नहीं इस समय जिन्होंने कल शाम को ज्वाइन किया था, तो आप लोगों का असाइनमेंट था। आप एक काम किया करिए, जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं बेटा, एक चीज ध्यान रखा करिए कि जो क्लास आपकी मिस होती है, आप उसको जो भी ज्वाइन करता है उसे एक बार एटलीस्ट कंफर्म कर लिया करिए। आपके ग्रुप में आपके सारे क्लासमेट्स हैं, आप सबको पता रहता है, एक दूसरे से कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं। कम से कम इतना तो आप लोग अपनी प्रेजेंस रखा करिए कि आप टाइमली उस चीज का रिकॉर्ड ले लें कि क्या हुआ, क्या आपको क्लास में बताया गया और क्या काम दिया गया है। ठीक है, आपका ये फर्स्ट टाइम है इसलिए हम आपको एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइम से हम आपको इस बात का एक्सक्यूज नहीं देंगे कि आप जब भी क्लास ज्वाइन करते हैं आपको पिछली क्लास का पूरा डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम, ठीक है, तो आपको जिसमें ये पता रहेगा, अब मान लीजिए हमने जो कल आपको शाम को काम दिया था वो आप इनमें से कोई भी बच्चा, अब इस समय दूसरे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है ना, शाम की क्लास में किसी और बच्चों ने ज्वाइन कर रखा था, उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट नहीं है, इस असाइनमेंट का क्या हुआ? एनीवेज अभी आप इस क्लास के ऑफ होने के बाद ये कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद हम ये और वर्क नेक्स्ट क्लास तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और हम जो दूसरी क्लास लेंगे वो आपकी 3 बजे तक नहीं लेंगे बेटा, हम 1 से 2 के बीच में ही लेंगे आपकी क्लास। हम आपको टाइम सेंड कर देंगे, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही लेंगे। टाइम हम क्लास नहीं लिया करेंगे, उसका रीजन ये है कि शाम का जो टाइम होता है उसमें अपलोडिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी कल, तो आप लोगों स्टार्टिंग में ही क्लास लेंगे जिसमें बाद में ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। और रही बात अटेंडेंस की, रही बात आपके वर्क की, जो वर्क हम नहीं ले रहे हैं या अटेंडेंस नहीं हो रही है, वो सब कुछ ऑनलाइन है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम प्रेजेंट कर रहे हो, सब कुछ आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है पूरे की पूरी क्लास का। आप इस चीज के लिए बिल्कुल बी केयरफुली रहिए कि आपको काम करना ही करना है, सिर्फ क्लास अटेंड कर लेना ही काफी नहीं है। दूसरी चीज कि अभी हम ये क्लास जल्दी ही लेफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको सिर्फ काम दे रहे हैं और अपना काम स्टार्ट करिए। हमने कल फर्स्ट टाइम है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको एक स्केच करने के लिए दिया था, हमने पूरा पोर्ट्रेट का डिस्क्राइबेशन दिया था कि आप किस तरीके से पोर्ट्रेट कंपोज करते हैं। क्लियर क्लियर है आपको? यहाँ रखी मेरी वॉइस। विशाल, नेहा, यस ठीक मैम, है, तो यस आप मैम, क्लियर, कैसे कंपोज करना है, क्या करना है, किस एंगल में कंपोज करना है, क्या डिवीजन होना चाहिए, क्या बेस होना चाहिए, क्या आपका बेस का डिवीजन होना चाहिए, और आपकी ड्राइंग कैसी होनी चाहिए, और ड्राइंग के अंदर जो आपका डिवीजन है मेन, आपके मॉडल
कि ड्राइंग का डिवीजन है वो भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट का मेजरमेंट कितना होता है। सेकेंड ईयर में पोर्ट्रेट करके आए हैं आप लोग, सॉरी हेड स्टडी करके आए हैं, अब आप इस साल पोर्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। आप सभी जानते होंगे पोर्ट्रेट। चलिए अच्छा बताइए, जरा जल्दी से बताइए क्योंकि फिर वही गलत सलत बना के बैठ जाओगे। बताइए कैसे करते हैं, एक एक करके बताओ जरा। बेस डिवीजन कैसे करते हैं? विशाल आप बताइए, बेस का डिवीजन कैसे करते हैं? मैम बेस का डिवीजन सबसे पहले शीट को, जो आपकी शीट का साइज है उसका हाफ करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और जो वर्टिकली होता है उसका भी हाफ करते हैं, और जो आपका फेस का जितना फेस होता है वो उन दोनों वर्टिकली के ना सेंटर में नहीं होना चाहिए, दोनों उन लाइंस के बीच में होना चाहिए। ठीक है बेटा, और इसके अलावा कुछ कौन बता सकता है? आस्था मैम फेस का भी, फेस को भी डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। लिसन लिसन वेट वेट, जो एक स्टूडेंट लाइन बता देगा उसको दोबारा कोई स्टूडेंट नहीं रिपीट करेगा। आप उसके अलावा कुछ जानते हैं तो उसको बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यस और नो आस्था? नो मैम। साइका? यस मैम। मैम जितना फेस का मेजरमेंट होता है उसको सेवन एंड हाफ लिया जाता है पूरे फुल पोर्ट्रेट साइज स्टैंडिंग पोजीशन में। बेटा आप ये फिगर का रेशियो बता रहे हो, फुल फिगर ड्राइंग का? यस मैम। है ना, हम पोर्ट्रेट का पूछ रहे हैं, फुल फिगर ड्राइंग का नहीं पूछ रहे हैं आपसे। एक चीज ध्यान रखिए, हमने पहला क्वेश्चन प्रोटेक्ट किया कि बेस डिवीजन कैसे करते हैं। तो बेस डिवीजन में हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ठीक है। तो फोरग्राउंड में हमारा क्या होता है, फोरग्राउंड में हमारा वन थर्ड पार्ट होता है, और सॉरी बैकग्राउंड में हमारा वन थर्ड पार्ट होता है और फोरग्राउंड में पार्ट होता है, यानी कि पूरे डिवीजन का वन हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा हमारे फोरग्राउंड का होता है और बाकी जो तीन पार्ट्स होते हैं वो हमारे बैक। क्लियर? यहाँ क्लियर है? मैम वॉइस आपकी कनेक्ट, मैम नहीं आ रही है, मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। देखिए अब आई, नेटवर्क इशू हो जा रहा है बेटा थोड़ा थोड़ा बार बार, इस वजह से ऐसा हो जाता है। सुना रही है? हाँ बेटा, बैकग्राउंड हमारा वन थर्ड होता है और फोरग्राउंड हमारा वन फोर्थ होता है, ठीक है। तो जो भी टोटल एरिया होता है उसका तीन हिस्सा हमारा बैकग्राउंड होता है और एक हिस्सा हमारा फोरग्राउंड होता है। क्लियर? जो पोर्ट्रेट का कंपोजिशन होता है आपका, उसके बाद जैसे विशाल ने डिवीजन बताया उस तरीके से हम उस थर्ड पार्ट में कंपोज करते हैं अपना हेड पोर्शन। क्लियर? पोर्ट्रेट और हेड स्टडी में डिफरेंस आपका ये है कि हेड स्टडी जो आप कंपोज करते हैं वो कंपोज करते हैं आप नेक बोन तक, और पोर्ट्रेट हम कंपोज करते हैं हाफ चेस्ट तक। प्रियंका बेटा कहीं बाहर हो तुम, तो क्या काम दिखाओगे, छोड़ो। अब ये बताओ अब क्लियर हुआ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। दूसरा अब आप आ जाइए अपने मॉडल के डिवीजन की, और जो हम थर्ड पार्ट बैकग्राउंड में छोड़ते हैं उसमें हमारा जब मॉडल हमारा सिचुएटेड होता है तो उसके बैकग्राउंड में हम उसका डेब्री का भी एरिया लेते हैं, डेब्री भी कंपोज करते हैं। क्लियर है? और हमारा शोल्डर का डिवीजन हमारे फेस की लेंथ के टू फेसेस के बराबर होता है, इक्वल टू टू फेसेस। आप शोल्डर डिवाइड करते समय कभी कम कर देते हैं कभी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है आपको कि आप जिस एंगल से शोल्डर, जिस एंगल से अपना पोर्ट्रेट कंपोज कर रहे हैं, जो आपका नियरेस्ट पार्ट है उसका कंपोजिशन आपका क्लियर और अकॉर्डिंग टू अपोजिट पार्ट से लार्ज होता है। ये बात समझ में आई?
मैम एक बार ये फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा हम ये कह रहे हैं कि आप जिस एंगल से बनाते हैं आपके तीन एंगल होते हैं, राइट एंगल, मिडिल एंगल, लेफ्ट एंगल। इन तीन डायरेक्शंस को यूज करके आप अपना कंपोजिशन, अपना वर्क करते हैं। अगर आप राइट एंगल पे खड़े हैं तो आपका जो राइट एंगल का कंपोजिशन होगा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट एंगल, यानी कि आपके अपोजिट एंगल से की थिकनेस में फर्क होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपोजिट एंगल से बड़ा बनता है जिस एंगल में आप कंपोज कर रहे हैं अपने वर्क को। इतना क्लियर है? यस मैम। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स क्लियर नहीं आ रही है। आ रही मैम वॉइस नहीं आ रही है अच्छी। मेरी और मेरी अब आ रही है। अब चेक करिए बेटा, आ रही है आवाज? मैम रुक रुक के आ रही है बहुत ज्यादा नेटवर्क। अभी नहीं आ रही है। आई बेटा आवाज है आप लोगों को हमारी? यस मैम। यस अब आ रही है।
विशाल, हेलो। मैम लेफ्ट हो गई। हाँ हाँ मैम, समझा नहीं, समझ नहीं आ रहा है ऐसे। जो भी समझा कुछ नहीं समझा, खाली जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड बताया सिर्फ वही समझ आया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सही कह देखो रही हो यार, शायद मैम अभी लेफ्ट हो गई है। हो जाए। मैम अभी ज्वाइन करेंगी, मैम अभी ज्वाइन करेंगी। और तुम लोग बात मत करो, ये कॉल रिकॉर्ड होती है। तो ये बात, अभी मैम आएंगे तो मैम से बोल देंगे, ठीक है। हाँ यार, नहीं उनका बोलना, ठीक है, नेटवर्क जिसको इशू है। हाँ जिसको उसको समझ नहीं आया मैम से फिर से बोलना कि समझ नहीं आ रहा है कुछ। हाँ मैम ने ज्वाइन किया। बेटा आवाज आ रही है? आवाज यस मैम अब आ रही है। आ रही है। अच्छा, तो इसी तरीके से चीजें हम लोग कंपोज करते हैं, और सॉरी पोर्ट्रेट हमेशा जो बेटा बनता है वो वर्टिकल फॉर्म में ही बनता है, हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं बनता है। दूसरी चीज़ें जो हमारे पोर्ट्रेट का बेस एरिया जो हम डिसाइड करते हैं वो हॉरिजेंटल का कम और वर्टिकल का ज्यादा लेते हैं। क्लियर? यस मैम विशाल, यस मैम आपने 18 इंच लिया हॉरिजेंटल और 24 24 या 30 इंच लिया आपने वर्टिकल, ठीक यस है। मैम ये रेशियो रहता है, कभी भी स्क्वायर साइज नहीं रहता बेटा, स्क्वायर शेप नहीं होता। दूसरी चीज ये कि डिवीजन का यस जो मैम प्रोसेस होता है, पहले अपने पूरे एरिया को सेंटर से डिवाइड करते हैं, फिर सेंटर के दोनों सेंटर के जो दो पार्ट्स में डिवीजन हमारा रेडी होता है उसको भी सेंटर से डिवाइड कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, ठीक है। जो फर्स्ट ब्लॉक और नीचे से स्टार्टिंग से फर्स्ट ब्लॉक और नीचे से जो लास्ट के जो मिडिल के दोनों ब्लॉक्स होते हैं हमारे, उस एरिया में हम अपना फेस नेक बोन तक कंपोज करते हैं। बात समझ रहे हैं? और जो लास्ट यस वाला मैम ब्लॉक होता है बेटा वो हमारा शोल्डर प्रोपोर्शन के लिए होता है, और सबसे टॉप वाला जो आपका एरिया होता है वो आपका डेप्री प्रोपोर्शन के लिए होता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं? यस मैम ठीक है। इसे डॉक्टर फर्स्ट जी ब्लॉक आप बता डेप्री सकती के लिए हैं? छोड़ेंगे, सेकंड और थर्ड आप अपने फेस कंपोजिशन के लिए छोड़ेंगे, फेस टू नेक बोन तक। फोर्थ ब्लॉक आप अपना यूज करेंगे शोल्डर। शोल्डर प्रोपोर्शन के लिए, शोल्डर प्रोपोर्शन से स्टार्ट होके हाफ चेस्ट पोर्शन तक जाता है। वॉइस आपकी फिर कट रही है। बेटा बहुत ज्यादा नेटवर्क की दिक्कत हो रही, क्या करें हम भी। जिस समय आपको आ जाती है उस समय आप सुन लीजिए, बस एक यही ऑप्शन है। नेटवर्क इशू हो रहा है बराबर। एक अब चीज आई हो पूछ रही थी बस, मैम, अभी भी डिस्कनेक्ट आई हो जा बेटा रही है वॉइस, बीच बीच में। अभी भी आ रहा है? अच्छा मैम वेट वॉइस करिए नहीं जरा आ रही एक आपकी। मिनट।
आई बेटा आवाज आई? वॉइस क्लियर हुई बेटा? यस मैम। जितना अभी तक आप लोगों को बताया है उतना क्लियर है या उसमें किसी को डाउट है बेटा? मैम पहले जो बताया था आपने डिस्कनेक्ट होने से पहले वो वाला नहीं समझ आया था। अच्छा बाकी आप लोगों को हम डिवीजन ही बता रहे थे बेटा कि डिवीजन कैसे करते हैं और वर्टिकल स्पेस कैसे लेते हैं, स्पेस का हमें आइडिया कैसे लगता है कि वर्टिकल स्पेस की जो हमारी हाइट होती है बेटा वो ज्यादा होती है और हॉरिजॉन्टल स्पेस का लेंथ जो होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू वर्टिकल के। क्लियर है आपको इतना? यस मैम। और हमने आपको पेपर में
ड्राइंग करने से पहले पेपर डिवीजन कैसे करते हैं, हमने आपको उसका आइडिया दिया है कि आप उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। क्लियर है इतना? यस मैम। देखिए जहां तक हम जो चीजें बोल रहे हैं वहीं तक आप उस चीज को क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोगों ने क्लास कल क्लास ली होती तो मुझे दोबारा से आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, दूसरी चीज कि आप लोगों को फेस डिवीजन या फेस का मेजरमेंट आता है या नहीं आता, पहले ये बताइए। जैसे हम कल सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप लोग फेस का डिवीजन भी कैसे करते हैं और आप लोग सेकंड ईयर में पोर्ट्रेट कर भी। मैम फेस का डिवीजन आई के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा? आई के अकॉर्डिंग करते हैं, जो मतलब आंखें होती है उसी के। सुनिए ये डिस्कशन हम जब तक करते हैं तब तक के लिए आप अपना काम सुन लीजिए। अभी हम आपकी 1 बजे क्लास लेंगे दोबारा, ठीक है, 1:30 पे। क्लियर है? 1:30 पे हम आपकी दोबारा क्लास लेंगे। अभी मैसेज भी हम आपको सेंड कर देंगे, लेकिन आप लोग अब तक किसी का भी मॉडल ड्राइंग करेंगे आपके घर में जो भी है जिसको भी आप बैठा सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऋतुराज मैम। यस मैम। ऋतुराज। यस मैम। मैम आवाज आ रही है? शो करिए जरा वर्क। हाँ आवाज आ रही है, आप वर्क शो। मैं अब तो अभी कुछ आज करता हूँ। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा, आप वर्क शो करिए अगर मेरी आवाज क्लियर है आपको। क्लास में आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने किया नहीं। अभी आपने नहीं कर रखा है? नहीं किया है बेटा? किया है क्या? नहीं किया है? नो मैम। तो ठीक है, फिर आपने भी नहीं किया तो सबके साथ आप अभी जब हमारी 1:30 पे क्लास होगी आप भी वर्क प्रेजेंट कर। ओके मैम। बाकी किसी को मेरी आवाज आ रही है? मैम ये वर्क किस पे करना है? मेरा हैंड रेस करिए। क्या बेटा? मैम वर्क किस पे करना है? कार्टिस शीट में। शीट बेटा आपकी ऑयल शीट लगेगी, लेकिन आप उसके पास में करें। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप क्लियर हो तो आप इतनी बात सुन लीजिए, फिर हम जब दोबारा क्लास लेंगे तब हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अभी बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट का आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अब आई? देखो अब आई मेरी आवाज? यस मैम अब आई है। अब आई है तो अब सुनिए, हम कह रहे हैं 1:30 तक आप लोग एक किसी के भी पोर्ट्रेट का ड्राइंग करके रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग।
यस मैम। ठीक है, ड्राइंग करेंगे, सिंगल लाइन ड्राइंग करेंगे, कोई कलर कोई शेडिंग नहीं करना है, जिस तरीके से आप बताया गया है आप उस तरीके से ड्राइंग करके रखेंगे। उसके बाद जब आपका कनेक्शन सही हो जाएगा बेटा, प्रॉपर वे में आ जाएगा, हम 1:30 वाली क्लास में आपसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से अभी नेटवर्क क्लियर है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। अंशिका, नेहा, श्रद्धा, हाँ वेरी गुड, सुनाई दे रहा है? ध्यान से सुनिए। यस मैम। अभी के लिए हम शीट बता दीजिए किस पे करना है। शीट बेटा जो आपके पास अभी अवेलेबल हो, ठीक है, उस शीट पे आपको वर्क करना है। अभी आप लोग क्लास लेफ्ट करिए, देखते हैं थोड़ी देर बाद शायद नेटवर्क सुना रह जाए। फिर आप ज्वाइन करिएगा।